वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग एट योर होम. सो आई एम योर टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी ऑफ क्लास LKG. बेटा, हिंदी जो होती है ये हिंदी वर्णमाला पर आधारित होती है. वर्णमाला मतलब अ से ज्ञ तक, जिसमें अ से अंगा तक स्वर होते हैं और क से ज्ञ तक व्यंजन होते हैं. हिंदी में कोई भी शब्द लिखने के लिए हमें वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है. अब और हिंदी जो है थोड़ा सा मुश्किल विषय भी है. तो अब हमें आज क्या करना है, आज हमें हिंदी के जो स्वर और व्यंजन मतलब जो वर्णमाला है उसमें से कुछ अक्षर जो हैं उनको सही से लिखना और पहचानना सीखना है. कई बार जब हम लिखते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और हम अक्षर उल्टे बना देते हैं, या कई बार हम अक्षर पहचानने में असमर्थ होते हैं. तो आज हमें क्या करना है, आज हमें इन अक्षरों को पहचानने की प्रैक्टिस करनी है. इसके लिए मैंने एक वर्कशीट बनाई हुई है आपकी हिंदी की नोटबुक में. आपको भी अपने पेरेंट्स से बोलना है, जो भी आपको घर में गाइड करते हैं, जो भी आपको पढ़ाते हैं, कि इस तरीके की वर्कशीट एक घर पर बना ले नोटबुक में और इसमें आपको प्रैक्टिस करवाएं. तो सबसे पहले जैसे कि इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है कि सही अक्षरों पर गोला बनाना है. इसमें अक्षर है, एक सही है और एक गलत है. तो हमें सही पहचानना है और हमें सही पर क्या करना है, सर्कल बनाना है. सबसे पहले हम बात करते हैं र से रथ ही. तो जो र है वो इस तरीके से लिखा जाता है, र से रथ. और अब हमें इसमें पहचानना है र से रथ इस तरीके से लिखते हैं या इस तरीके से लिखते हैं, सोचना है हमको. अभी भी मैंने आपको बताया है और हम क्या करेंगे, र से रथ पर जो सही है उस पर सर्कल कर देंगे और जो गलत है उस पर राउंड कर देंगे, राइट? अब हम देखते हैं नेक्स्ट. देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ल से लट्टू. ल से लट्टू, ये किसका पिक्चर है, किसका चित्र है, ल से लट्टू. और ल कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है. और जो हमारा अगला अक्षर है वो क्या है, ल से लट्टू. तो अब बताइए ल से लट्टू इस तरीके से लिखा जाता है या इस तरीके से? जी हाँ, ये किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से. तो इस पर हमने सर्कल कर दिया और जो गलत है उस पर हमने रॉन्ग कर दिया. अब देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, ट से टमाटर. ट से टमाटर, ट देखिए किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से. तो अब हमको क्या करना है, ट से टमाटर का जो सही फॉर्मेशन है इस पर हमें सर्कल करना है. मैंने अभी आपको दिखाया ट से टमाटर इस तरीके से लिखा जाता है, तो दिस वन इज रॉन्ग. नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, मछली. म से मछली, म किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से. इस तरफ छोटा डंडा होता है और इस तरफ बड़ा डंडा होता है, तो ये क्या है, म से मछली. तो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, म से मछली. इस पर हमें सही फॉर्मेशन पे तो सर्कल करना है और गलत पे हमें रॉन्ग करना है. नेक्स्ट देखते हैं, ये लिखा है न से नल. ये किसका पिक्चर है, किसका चित्र है, ये नल का. और ये क्या है, न. तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा न सही है, ये वाला या ये वाला. तो ये वाला फॉर्मेशन सही है और दिस इज द रॉन्ग फॉर्मेशन. अगला अक्षर है प. प से पतंग, तो प किस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है. तो अब देखते हैं ये वाला प सही है या ये वाला प सही है. दिस वन इज द करेक्ट फॉर्मेशन एंड दिस इज रॉन्ग, सो वी विल क्रॉस इट. अगला देखते हैं ग से गमला. ग से गमला, तो ग किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से. तो जो ग का सही फॉर्मेशन है ये क्या है, दिस वन. तो इस पर हम सर्कल करेंगे और इसको हम क्रॉस करेंगे. अब नेक्स्ट देखते हैं ठ से क्या होता है, ठठेरा. ये क्या है, ठठेरा. ठ किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से. तो अब हम क्या करेंगे, ठ से ठठेरा ये है और ये तो गलत लिखा हुआ है, तो हम इस पर सर्कल कर देंगे और इसको हम रॉन्ग कर देंगे.
इसी तरीके से आगे के जो अक्षर हैं ये देखते हैं हम, ज से जहाज, ज से जहाज इस तरीके से लिखा जाता है, ज से जहाज लिखा जाता है इस तरीके से। तो हम इस पर क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे और इस पर हम रॉन्ग कर देंगे। यहाँ खाली, यहाँ सही फॉर्मेशन ये है, तो इस पर हम सर्कल कर देंगे और इसको हम रॉन्ग कर देंगे। फ से फल, देखिए फ से फल ऐसे लिखा जाता है और इसको हम क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। स से सपेरा, दिस इज़ रॉन्ग। त से तरबूज, बट दिस इज़ रॉन्ग फॉर्मेशन। द से दवात, दिस इज़ द से दवात एंड दिस इज़ द रॉन्ग फॉर्मेशन। छोटे अ से अनार, तो इसमें से कैसे लिखा जाता है, ये तो उल्टा है, ये है सही और इसको हम क्या कर देंगे, रॉन्ग। छोटे उ से उल्लू, तो हम छोटे उ से उल्लू किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे, और ये क्या है, गलत। तो इस तरीके से आज हमने क्या किया है, आज हमने सही अक्षर पर गोला बनाना सीखा है और अक्षरों की पहचान करी है। तो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।